मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पालक के पकौड़े। पालक जैसे कि बहुत फायदेमंद होती है, बच्चे इसको थोड़ी मुश्किल से खाते हैं, लेकिन अगर हम इसको पकौड़ों के रूप में खाएं तो बच्चे इसको खुश होकर खा लेंगे। सर्दियों के मौसम में, बारिश के मौसम में ये पकौड़े जो है बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इन्हें बच्चों के टिफिन में भी दिया जा सकता है, इन्हें घर में जिस टाइम आपका मन करे आप इसको बनाकर खा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन चीजों पालक से पकौड़े बनाने के लिए हमें चाहिए पालक, बेसन, हरी मिर्च, नमक और आइए शुरू करते हैं हम अपने पालक के पकौड़े बनाने। पालक के पकौड़े बनाने के लिए हमने जो है ये पालक ली है, इसको हमने अच्छे से धो लिया है। अब इसको हम जो है बारीक बारीक काट लेंगे। ये इसके डंठल है ऊपर, इसको भी हमने बारीक बारीक काट लेना है इस तरह से। जो इसके डेंटल हैं ये भी पकौड़ों में बहुत टेस्टी लगते हैं, तो उसको फेंके ना, इसको यूज करें। सारे पालक को हम इसी तरह से काट करके तैयार कर लेंगे। पालक के पकौड़े बहुत ही हेल्दी होते हैं, पालक बहुत फायदेमंद होती है। इसके पकौड़े जो है बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, इसको हम चपाती के साथ खा सकते हैं, ब्रेड के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार होते हैं। आपके घर में कोई आए आप इसे बना सकते हैं, बहुत ही जल्दी से बनकर ये तैयार होते हैं। इसी तरह से हमने आप देख सकते हैं पालक काट कर हमने तैयार कर लिए। पालक को हमने काट कर तैयार कर लिया है। एक हमने हरी मिर्ची ली है, इसको भी इसी के ऊपर काट लेंगे इस तरह से बारीक बारीक। हरी मिर्ची हमने काट करके तैयार कर ली है। अब पालक और हरी मिर्ची को हम डाल लेते हैं एक बोल में। पालक और हरी मिर्च को हमने अपने बोल में डाल लिया है। इसमें डाल लेते हैं नमक, तकरीबन आधा चम्मच नमक, लाल मिर्च 1/3 स्पून, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। इसमें डालेंगे हम बेसन, 1 कप हमने जो है कटोरी बेसन की ली है, ये हम इसमें डाल देंगे। इसमें डालेंगे 1 चम्मच बारीक कटी हुई धनिया। आप नमक स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप जो है 1/3 स्पून नमक को और डाल सकते हैं। इसमें हम डालेंगे पानी और इसको धीरे धीरे जो है मिक्स करेंगे। इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं डलता है, थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे। ज़रूरत पड़ने पर हम इसमें पानी और डालेंगे। इसको हम हाथ से मिला लेते हैं इस तरह से। हाथ से जो है ज़्यादा अच्छे से मिक्स होता है, तो इस तरह से हमने हाथ से इसको मिला लेना है। देख सकते हैं पानी हमें और डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई में हमारा गर्म हो चुका है, पकौड़े बनाएंगे। ये हम इस तरह से बैटर को उठाएंगे अपने हाथ में और इस तरह से डाल देंगे। जितने बड़े छोटे आप पकौड़े करना चाहते हैं उतनी क्वांटिटी में आप बैटर ले सकते हैं। इस तरह से हम जितने हमारे कढ़ाई में आए एक बार में उतने ही डाल रहे। इसमें जो है बेसन बहुत ज़्यादा नहीं लगता है और पानी तो आपने देखा बहुत ही कम लगता है पानी इसमें। इस तरह से हमने सारे पकौड़े बना करके तैयार कर लेंगे। गैस को हम पालक के पकौड़े बनाने के टाइम जो है बिल्कुल तेज रखेंगे, क्योंकि पालक के पालक जो है बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाती है, तो पकौड़े हमारे जल्दी बन जाते हैं। जब तक हमारे पकौड़े नीचे से थोड़े से गोल्डन ब्राउन ना होने लगे तब तक हम जो है इसको पलटेंगे नहीं। आप देख सकते हैं हल्के हल्के जो है ये ऊपर से ट्रांसपेरेंट होने लगे हैं और नीचे से हल्के हल्के हमें दिखाई दे रहे हैं कि जैसे गोल्डन ब्राउन है। तो अब हम इसको मोड़ लेंगे। ये आप देख सकते हैं हल्के गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं, बहुत ही क्रिस्पी जो है ये बन रहे हैं। हमारी पालक जो है बहुत क्रिस्प हो गई है दोनों साइड से, हम इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन करें। अब देख सकते हैं पकौड़े हमारे क्रिस्पी होने शुरू हो गए हैं। इसको हिलाएंगे, इसको ऊपर नीचे इस तरह से हिलाते रहेंगे ताकि दोनों तरफ से बराबर की क्रिस्पी हो। थोड़ा सा इसको भी और क्रिस्पी करेंगे, गोल्डन ब्राउन करेंगे। पकौड़े हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, बहुत बढ़िया कलर इसका आया है। गैस को बंद कर देंगे और इसको निकाल कर बहुत ही टेस्टी पालक के पकौड़े बनकर तैयार है। इसे आप कभी भी खा सकते हैं, बारिश के मौसम में खाएं, जब आपका मन करे तब आप इसको बनाकर खाएं। आप इसे इसी तरह से भी खा सकते हैं, ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं, चपाती के साथ भी खा सकते हैं, सभी तरह से बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आप इसे ज़रूर बनाकर देखें और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए
और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।